वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, वो भी मात्र 5 मिनट में। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, जिस वजह से आप आसानी से और बिना किसी परेशानी के अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके हमें नारी शक्ति ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप उसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करते हैं। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और ये आरओ से कंटिन्यू करके डन करना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर उसको एंटर करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को टच करके ये स्वीकार करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके रजिस्टर नंबर पे, सॉरी रजिस्टर नहीं, जिस नंबर पर आपने डाला है उस पर OTP आएगा। आपको उस OTP को टाइप करना है, टाइप करके OTP वेरीफाई करना है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करोगे, उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, फर्स्ट वाला ही दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना। तो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना पर आपको टच करना है, फिर उसके बाद में अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पे आपको फॉर्म भरना है। देखिए, ये फॉर्म में पहला है महिला के संपूर्ण नाम आधार कार्ड प्रमाण है, यानी कि लेडीज का नाम आधार कार्ड के हिसाब से, जो भी आधार कार्ड पे नाम होगा आपको उस टाइप से आपको यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद में देखिए, पति या पिता का नाम, अगर मैरिड है तो पति का नाम डालिए, और अनमैरिड रहा तो यहाँ पे वडलांचा नाम, वडिल यानी कि पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है लग्ना पूर्वी चुनाव। देखिए, लेडीज का जो शादी से पहले का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार कार्ड के हिसाब से कर सकते हैं। आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करना है। देखिए, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, उसके बाद में अर्जदाराचा पता एज पर आधार कार्ड, यानी कि जो भी आधार कार्ड पे पता है आपको वो आपको यहाँ पे पूरा टाइप करना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में डालता हूँ और आपको जो भी पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। देखिए, उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। और मुंबई सिटी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी तालुका आता है आपको वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद में शहर में जो भी आप जहाँ गांव सिटी शहर आप जहीं पर भी रहते हो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में जो ग्राम पंचायत नगर परिषद नगर पालिका जिस भी उसमें आता है आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड टाइप करना है। देखिए, उसके फॉर्म में नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में आपका आधार नंबर, आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद में आप देखिए, शासनाने इधर विभागा मार्फत राबिण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेचा लाभ घेत आहात का, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का और किसी लाभ ले रहे हो क्या कोई योजना का, अगर ले रहे तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद में आते हैं वैवाहिक स्थिति, आपको इस पर टच करना है। आपकी जो भी स्थिति है आपको लिखना है, जैसे कि विवाहित हो तो विवाहित लिखना है, अविवाहित हो तो अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, जो भी हो आपको यहाँ पे उस पर टच करना है। उसके बाद में देखिए, महिला का जन्म पर राजा झाला है का, यानी कि जो योजना के लिए एप्लीकेशन कर रहे उनका जन्म महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य में हुआ है क्या, अगर हाँ है तो हाँ, वरना नहीं करना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखना है, और सेकंड आता है आपको बैंक खातेदार का चुनाव, जो भी आपके अकाउंट में नाम है ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर टाइप करना है।
और उसके बाद में आपको SBIN आपका IFSC कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आधार क्रमांक बैंक खाते से जोड़ ले रहेगा, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। याद रखना कि आप जिस अकाउंट से आप दे रहे हो अकाउंट डिटेल, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, आपको होए करके ही आगे बढ़ना है। तो उसके बाद में लास्ट स्टेप है आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड का। देखिए फर्स्ट वाला है आधार कार्ड, एक तो आप कैमरे से ले सकते हो या फिर गैलरी में, और इसका मैक्सिमम साइज 5 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं गैलरी में है मेरे पास में, तो मैं गैलरी में सेव करके रखा है, तो मैंने उसको यहाँ पे टच कर दिया है। तो उसके बाद में अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या शाला सोलह का दाखिला। देखिए यहाँ पे 15 साल से ज़्यादा महाराष्ट्र में रह रहे हो उसका पुरावा आपको देना है। पहला है रेशन कार्ड, दूसरा है मतदान ओळख पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, फोर्थ है शाला सोलह का दाखिला यानी कि LC लिविंग सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे भी 5 MB का ही है, कैमरा या फिर गैलरी। गैलरी में हमारे पास में है रेशन कार्ड, तो मैं यहाँ पे रेशन कार्ड ही अटैच करूँगा। देखिए उसके बाद में है उत्पन्नाचा प्रमाण पत्र, इसके अंदर भी आता है रेशन कार्ड, आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपका जो पीला या फिर केसरी प्रमाण पत्र रेशन कार्ड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे केसरी लगा रहा हूँ। और लास्ट में देखिए दूसरा नेक्स्ट है अर्जदारा का हामी पत्र, यह हामी पत्र का लिंक मैं आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप यह हामी पत्र को अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है जो भी आपने बैंक का डिटेल फिल किया है वो बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए उसके बाद में आते हैं महिला का जन्म प्रमाण पत्र, असलेल पतिचे कागदपत्र, महिलाचे जन्म पर राज्यातील असल्यास पतिचे कागदपत्र, यानी कि महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट में अगर महिला का जन्म हुआ है तो उसका हस्बैंड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे अर्जदारा का फोटो, आपको यहाँ पे फोटो अटैच करना है। देखिए इस तरह से ये फोटो आपने अटैच किया है। उसके बाद में हमें पत्र डिस्क्लेमर आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करके माहिती जतन करा आपको यहाँ से सबमिट करना है, और आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।